महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण देश आर्थिक संकट में आ गया था। इस आर्थिक संकट से देश को निकालने के लिए सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान आरंभ किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 की सफलता के बाद भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 लॉन्च किया गया है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0, 2.0 तथा 3.0 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इस लेख को पढ़कर आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, इसके लाभ, विशेषताएं, पात्रता, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आने वाली योजनाएं, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों, यदि आप आत्मनिर्भर 3.0 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हमारे इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को कोरोना संकट से हुए नुकसान से बाहर निकालने के लिए आरंभ किया गया था। अब तक आत्मनिर्भर भारत की 2 फेज लॉन्च हो चुकी हैं। अब सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की 3री फेज लॉन्च की गई है, जिसको आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के नाम से जाना जाएगा। 3री फेज के अंतर्गत 12 नई योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिसके माध्यम से देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत नौकरी से लेकर व्यवसाय तक सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं लॉन्च की गई हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के भाग, इस योजना के 3 भाग हैं। पहले भाग में उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। असम को वहां की जनसंख्या तथा भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरे भाग में वह सभी राज्य आते हैं जो पहले भाग में नहीं आते हैं। दूसरे भाग के लिए सरकार द्वारा 7500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस योजना के तीसरे भाग के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह तीसरे भाग की राशि केवल उन्हीं राज्यों को प्रदान की जाएगी जो सरकार द्वारा बताए गए 4 सुधारों से कम 3 सुधार राज्यों में लागू करें। यह 4 रिफॉर्म, वन नेशन वन राशन कार्ड, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडीज या यूटिलिटी रिफॉर्म तथा पावर सेक्टर रिफॉर्म है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 का उद्देश्य, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन था। इस स्थिति में देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का आरंभ किया गया था, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति सुधार सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, जिससे कि देश की इकोनॉमी वापस पहले जैसी हो सके। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को भी 31 मार्च 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा पाए। इस योजना के अंतर्गत कोलेट्रल फ्री लोन प्रदान किया जा रहा था। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत व्यवसाय के लिए लोन लिया जा रहा है। इस योजना के लिए पात्र MSME यूनिट, बिजनेस एंटरप्राइज, इंडिविजुअल लोन तथा मुद्रा लोन लेने वाले व्यक्ति हैं। आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अगले 5 साल के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में 10 नए सेक्टर जोड़े गए हैं, जिससे कि इकोनॉमी आगे बढ़े। इस योजना के अंतर्गत एडवांस केमिकल, सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल उत्पादन, फूड प्रोडक्ट, सोलर PV मॉड्यूल, वायर्ड गुड्स तथा स्पेशलिटी स्टील को शामिल किया गया है। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाई।